नमस्कार। सो ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए कि जो एनएमसी का नया गैजेट आया है रिगार्डिंग एमबीबीएस अब्रॉड और उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है एमबीबीएस इंडिया ही कट ऑफ पे। जी हाँ, दैट इज द मोर रेलिवेंट थिंग। तो जैसा कि आपको समरी बता दूं, उसका मैंने जैसे वीडियो बना रखा है, जो सबसे पेन पॉइंट थी कि बाकी सब कुछ पक्का सॉर्ट आउट हो जाएगा, क्योंकि जिसने बनाया है वो शायद वर्ल्ड मेडिकल एजुकेशन सिस्टम को नहीं जानते। तो आपको करना पड़ेगा कि भाई अगर किसी कंट्री में एक स्ट्रक्चर है एमबीबीएस देने का और वो स्ट्रक्चर WHO अप्रूव्ड है तो आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते ना। तो कोई कंट्री 5 साल में पढ़ा रही है, कोई 4 साल में पढ़ा रही है, क्योंकि पहले वो प्रीमेड कराती है जो कि यूएस से हो गया, तो नए एनएमसी गैजेट में तो यूएसए की डिग्री भी इनवैलिड है। तो वो सब तो मुझे पक्का पता है कि नेक्स्ट 2-3 मंथ्स चेंज हो जाएगा। लेकिन जो चीज चेंज नहीं होगी वो वही है कि आप उस देश में इंटर्नशिप करके उस देश का लाइसेंस भी लेकर आइए। तो पहले यह था कि वहां से पढ़ाई करके हम वापस इंडिया जाते थे और इंडिया में हम या तो इंटर्नशिप, जैसे नेपाल हो गया, हम नेपाल में 4.5 साल पढ़ते थे या वहां इंटर्नशिप कर लेते थे तो इंडिया उसको अलाउ करते थे, आपको इंडिया में रिपीट नहीं करनी पड़ती थी, या वहां से मतलब क्या इंडिया से आगे कर लो, बट टोटल बच्चे के 5.5 साल लगते थे। अब नेपाल जैसे कंट्री में भी जो कि बिल्कुल क्लीन है, मतलब कि एनएमसी के गैजेट में अगर एक कंट्री जिसमें 1 रुपए का भी इफेक्ट नहीं है, उसे सोचना भी नहीं पड़ रहा है क्या हुआ हुआ है नेपाल, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी सबको सोचना पड़ रहा है कि अब हमें कैसे अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी है। फॉर दैट मैटर हाँ, नेपाल ही, चाइना में भी ये था कि वो जो ऑप्शन थी इंटर्नशिप इंडिया में करने की वो आपको वहीं करनी पड़ेगी, विच मीन्स आपको 6 साल चाइना में लगाने पड़ेंगे, फिर 1 साल इंडिया में। पर नेपाल जो कि बिल्कुल क्लीन था उसमें भी आपका 1 साल पड़ गया। जब नेपाल जाते हैं तो 4.5 + 1 = 5 वहां और फिर 1 साल इंडिया में 6.5। अब इस 1 साल एक्स्ट्रा की वजह से जो मेरे पास भी जो फोन आ रहे हैं या क्वेरीज आ रही हैं कि जो लोग पहले अब्रॉड का मन बना चुके थे और 30-35-40 लाख रुपए खर्च करने को तैयार थे, वो तैयार हैं, ओपन हैं इंडिया के प्राइवेट कॉलेज लेने के लिए, अगर बजट में आ जाए तो। ऑफकोर्स दैट मीन्स किसी के 150 नंबर है फिर तो कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन 400 नंबर वाले जो बाहर जाते थे उनको अब ऐसा लग रहा है कि भाई अगर 400 नंबर में यूपी मिल जाए 60 लाख के पैकेज में तो वो बेटर है बजाय के बाहर जाने के 35 के। और जो नेपाल जाके खर्च करना चाह रहे थे 60-65 लाख, वो तो बिल्कुल ही इंडिया में बस ही खर्च करने को तैयार हैं। तो इसकी वजह से इंडिया कट ऑफ, और चूंकि सब डिले भी हो गया है प्रोसेस इंडिया की, तो मेरी जो गट फील है वो ये है कि इंडिया की कट ऑफ हाई जा सकती है। तो हर चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे प्राइवेट कॉलेज हो, कट ऑफ हाई जा सकती है। तो लास्ट ईयर की कट ऑफ के हिसाब से आप जजमेंट मत कीजिए, आप ये मान के चलिए कट ऑफ ऊपर जा सकती है। और उसी तरह से आपको अपनी स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेंगी। मैं बार बार कहता हूँ सर, एक स्टेट पे भरोसा मत कीजिए, कम से कम 3-4 स्टेट्स के फॉर्म और 3-4 डिफरेंट काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कीजिए, तभी आपको एक सीट मिलेगी। सिर्फ एक स्टेट के भरोसे मत बैठिए, अल्लाह सेंटिल आपके 500 से ऊपर नंबर है तो उसमें भी गारंटी नहीं है, राइट। तो ये मेरी सलाह रहेगी, स्पेशली प्रभाव ऑफ एमबीबीएस अब्रॉड बैक इनटू एमबीबीएस इंडिया। सो आई होप कि छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया। धन्यवाद।